और इधर हमारे दो भाई लोग मिले हैं, यूपी के हैं। यूपी से है ना आप लोग? अभी यूपी से नए नए आए हैं। कैसा लग रहा है जी? सही लग रहा है? 11 साल से हो गया आप? मैं 11 साल। कंफ्यूजन तो दूर हो गया यार पूरा सब कुछ। सही है ना? आसान है ना गाड़ी चलाना यहाँ? बहुत आसान है। यही होती है जितने दिल्ली मुंबई रहता है ना, तो हम लोग भी दिवाली घर पे ही मनाते हैं। ड्यूटी ड्यूटी जाते रहता है भाई, ड्यूटी लगता रहता है हमारा घर। तो गाइस हमारा भी लग गया है ड्यूटी, अब हम भी चल रहे हैं ड्यूटी, सब कोई ड्यूटी। तो भाई आ गए हैं मैडम को लेके हम हॉस्पिटल में। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोगों, आप सभी को और आपके सभी परिवार को हैप्पी दिवाली। और अभी मैं उठ गया हूँ, सुबह है और आज का दिवाली का दिन, मैं सो के उठा हूँ। और यहाँ परदेशों के लिए भाई कोई दिवाली वाली नहीं है, तो चलते हैं। नाना निकल रहा है अभी और ठंडी का मौसम है, तो भाई पानी तो पूछो मत, इतना ठंडा है कि पूछो मत भाई। तो चलो नहा के मिलते हैं। सभी बिना नहाए ठंडा लग रहा है, तो नहाने पे क्या होगा? दरवाजा बंद कर लेते, नहीं तो नहाने के टाइम में घुस जाते हैं कोई भी आता है। कपड़ा कहाँ गया मेरा? बहुत ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ठंडा। अरे के सारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। ये लूज कपड़ा बहुत पसंद है, देखो कितना बड़ा साइज पहनता हूँ पतले की वजह से। ठीक है, सभी नहा लिए हैं हम तो, अभी तो हो गया भाई नहा वहाँ के फिट एकदम। और ये देख सकते हो बाहर का मौसम, अधूरी दिवाली है भाई। प्रदेश में रहने वालों के लिए कोई दिवाली कोई ईद कोई कुछ नहीं है भाई। कहाँ जाएगा अभी, यहाँ पे नहा हुआ तो लिए लेकिन कोई है भी नहीं। बस आप लोग का स्टोरी और वीडियो स्टोरी और स्टोरी पे जो लगाते हैं वही देख के भाई सुकून मिलता है। देख लेते हैं हम लोग, चाहे कोई लाइव भी आ जाता है स्टेटस पे देख लेते हैं, और तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं है देखने के लिए। तो गाइस अभी जा रहे हैं रूम पे, गए थे यादव जी के पास। यादव जी नहीं है, गए हैं ड्यूटी पे। अब सोचे हैं चल के थोड़ा सा बैठा जाए वहाँ पे, तो वो है ही नहीं, तभी जा रहे हैं दोबारा रूम पे। सब कोई 4 बजे के बाद ही मिलता है, या तो सब कोई ड्यूटी ड्यूटी जाते रहता है भाई, ड्यूटी लगता रहता है। ये हमारा घर जो कि आपने हर वीडियो में देखा होगा। चलो मिलेंगे शाम को, आ जाएंगे ड्यूटी से, तो काफ़ी बिजी आदमी है वो, तब तक आराम करते हैं थोड़ा बहुत अपना, ये तब तक कर लेते हैं। देखो फिर कितना पत्ता होता गिरा है। तो गाइस हमारा भी लग गया है ड्यूटी, अब हम भी चल रहे हैं ड्यूटी, सब कोई ड्यूटी गया है। हम ही एक थे बाकी, अब हम भी जा रहे हैं ड्यूटी। खुल जा, बिस्मिल्लाह। एक और ये देखो, कभी भी गाड़ी में बैठो मैडम गाड़ी चालू करने के लिए बोले तो भाई गाड़ी का पहले एसी चालू कर दो, क्योंकि इन लोग को एसी चालू नहीं करोगे आगे फिर बोलेंगे माफी सुगो लादा मुकैफ, एसी को बोलते हैं मुकैफ। और यहाँ टेम्परेचर 0 ही रहता है भाई, अपने यहाँ चला दो तो कहते हैं भाई तेल ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे एकदम हाई रहता है भाई, एसी हाई चलता है, और ठंडी हो या गर्मी एसी फुल। तो चलते हैं देखते हैं मैडम कहाँ जाती है। तो भाई आ गए हैं मैडम को लेके हम हॉस्पिटल में, और ये अभी नया नया खुला है, मैडम को छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पार्किंग नहीं है तो कैसे घूम रहे हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें पार्किंग एक ही साइड रहती है, देखो
बस ये जो पटरी दिख रही है उधर ही गाड़ी लगाना है, एक पटरी इधर एक पटरी इधर है। तो भाई सारा बुक हो गया है पहले से ही, टिकट कटा लिए हैं, अभी हम ही हैं ढूंढ रहे हैं पार्किंग। मिलेगा नहीं यार लग रहा है। देखो भाई जहाँ जाते हैं वहाँ किस्मत ही ख़राब होता है, कोई मिलता ही नहीं है। ये हॉस्पिटल देख रहे हो कितना बड़ा है। ये देखो पार्किंग है, कितना बड़ा पार्किंग है, देख रहे हो ट्रक चला जाएगा इसमें। यहाँ लगा दिए हम अपना गाड़ी, ये इसके अंदर गाड़ी रहना चाहिए, अगर बाहर हुआ तो मुखालफा एक मारेगा सुरता। देख लो सारा बना हुआ है पहले से, देखो वो गलत लगाया है। तो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं, क्या करेंगे खड़ा होकर, कोई है भी नहीं यहाँ पे। हाँ क्या जिंदगी है, देखो यहाँ की एम्बुलेंस भाई अभी आए हैं लोग, देखो दो तीन ड्राइवर इधर सारे यूपी वाले। तो गाइस अभी 5 बज गया, अभी मैडम निकली नहीं हमारी, और मौसम देखो काला काला सा हो गया है। और इधर हमारे दो भाई लोग मिले हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अभी ये भी अपने ही तरफ के हैं, यूपी के हैं, यूपी से हैं ना आप लोग? हाँ अभी यूपी से हैं, ये भी भैया अपना यूपी से, अभी ये नया नया आए हैं। कैसा लग रहा है जी, सही लग रहा है? आप बुलाए हो? आप बुलाए हो? मैं ही बुलाए हैं। और ये भी लोग आए हैं हॉस्पिटल में, हम भी आए हैं पास में। तो ये चाचा बुलाए हैं भाई को। तो आप 11 साल से हो गए? आप? मैं 11 साल से हूँ, एक ही घर पे। सैलरी क्या आपका? सैलरी 2000 है, आउट एक आमदनी 500 रुपया। और जब आए थे आप तो? उस टाइम तो 1200 था। 1200 था, अभी 2000 है। और इनको कितना सैलरी नया बुलाया? ये 1500 है। खर्चा कितना लगा आने में? खर्चा इसको लग गया 80,000। 80,000 रुपया लग रहा है, तो ये टोटल खर्चा लग रहा है भाई। और अभी ये आए हैं, कैसा लग रहा है जी नया नया अभी आए हो? अभी तो फिलहाल सही लग रहा है, सही लग रहा है। गाड़ी उड़ी सोच के आए थे कि यहाँ स्टेयरिंग स्टेयरिंग उल्टा उल्टा साइड होता, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन था, दूर हो गया यहाँ पूरा सब कुछ सही है ना? यहाँ आसान है ना गाड़ी चलाना, यहाँ बहुत आसान है। यही ना, क्योंकि जितने भी नया ना सब कोई घबराता है भाई, बताओ कुआं उल्टा साइड है तो थोड़ा दिक्कत। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ऑटोमेटिक गाड़ी सबसे इजी है, और यहाँ ऑटोमेटिक गाड़ी ना अपने इंडिया से बहुत बढ़िया है यहाँ पे। नहीं गियर वाली में प्रॉब्लम होता है। कितना दिन हो गया आपको? 2-3 महीने हो गए? नहीं इसको तो अभी 1 महीना होने वाला है। तो जिस दिन आए थे उस दिन कितने दिन के बाद गाड़ी दे दिया इनको चलाने के लिए? इसको दिया है 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद तो अभी आप कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? तो ये यूपी से हैं, और आप पुराने हैं ना, कोई आने वाला है तो उसके लिए कुछ बताओगे आप, कहोगे? हाँ जो बंदे अगर नया आना चाहता है बिल्कुल आइए, बिना झिझक एकदम। ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है, आ जाओ बेहतरीन से यहाँ चलाओगे, कोई टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। तो चाचा से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको, थैंक यू सो मच। ज्यादा कन्फ्यूजन था हमारे का थोड़ा सा, अभी हम आए यहाँ पे, अभी रुके हैं, अब देखो अभी कब जाएंगे, 1-2 घंटा हो गया आए हुए हमें। चलो गाइस अभी देखो कितने बजे मैडम फ़ोन की है, 6:30 बजे आया हूँ, 4:30 बजे का। तो चलो चलते हैं रूम पे अब। तो गाइस अभी आ गया रूम पे मैडम को लेके, और चलते हैं देखते हैं कुछ बनाते हैं। अभी घर पे बात भी नहीं किया मैंने, घर पे बात भी करना है, तो आप तो वीडियो में बने रहें, कुछ लेके आते हैं देखते हैं, चलते हैं बगाले पे से कुछ बनाते हैं आज, कलेजी प्लेजी कुछ मिलता है देखते हैं तो लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी ड्यूटी लग सकता है क्योंकि अभी 7:30 होने वाला है, अभी 7:14 हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, तो थोड़ा टाइम वेट करते हैं, अगर नहीं लगेगा तो फिर चलेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी हो गया रात, चलते हैं कुछ लेके आते हैं, खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, और 8:30 हो गया, तो चलते हैं कुछ लेके आते हैं, देखते हैं जो भी रहेगा, मुर्गा मुर्गी जो भी रहेगा अच्छा सा लेके आएंगे, कलेजी पतरी जो भी रहेगा वो बना के लाएंगे आज खाएंगे। तो यादव जी को फ़ोन किया था अभी, फिर कह रहे फिर वो यार ड्यूटी लगा है, भाई साहब ड्यूटी कर रहे हैं दबा के।
बज गया और अभी ड्यूटी लगा नहीं है, अभी ड्यूटी का वेट करेंगे तो फिर खाना का लेट हो जाएगा, तो इसीलिए हम कहें चलो पहले खाना बना लेते हैं, खाना बन जाता है तो टेंशन नहीं रहता है। आज इसी जगह पे इंडिया में काम करते हैं हम लोग, तो आज मिलता है मीठा मीठा कुछ। आज है बकाला एकदम खाली खाली भाई। सबसे पास में यही दुकान है तो ज़्यादा में ही आते हैं भाई कुछ लेने होने, और यहाँ भी लग रहा है भाई खाली हो गया है ही नहीं यहाँ पे। क्लेजी पतली तो नहीं है, है लेकिन अच्छी वाली है, तो अच्छी वाली हम ले लेते हैं। 9 रियाल का है, 6 रियाल का ये देख सकते हो। चलते हैं, देखो गाइस सारा मटेरियल इसमें ही है, छिम्मी मुर्गा सब चीज़ें देखो सब रेडीमेड। हम लिया ये हमारा दिवाली पे मुंह मीठा कर लेते। चलो गाइस ले लिए हैं अपना सामान, चलते हैं रूम पे, अब इसको बनाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या लिया है हम। और बकाले पे ऑफर लगा है भाई, 100 रुपये का सामान लेने पे 5 रुपये का ऑफर है, 5 रुपये छूट। ठीक 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 गाइस अभी आ गए हम रूम पे। तो देखो क्या लेके आया हूँ अभी खाना बनाने के लिए, ये धनिया लेके आया हूँ एक, और टमाटर 2 लेके आया हूँ, ये 2 टमाटर। रोटी ख़त्म हो गया था तो एक रोटी लिया हूँ, और एक लिया हूँ अपना कोल्ड ड्रिंक, इसको फ्रिज में डाल देते हैं। और ये अपना कलेजी भाई, महंगे वाली कलेजी है जो सऊदी में, वो जानता होगा ये महंगा मिलता है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं भाई, बर्तन भी धुल लिए हैं अपना। चलो इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, ऐसा है कुछ एकदम ताज़ा कलेजी भाई। और इसको भिगो कर रख देते हैं, साफ कर लेंगे बाद में, पहले चलते हैं प्याज व्याज काट लेते हैं, लहसुन लहसुन जो भी लगेगा इसमें, तब तक ये थोड़ा पानी में थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा, बर्फ़ जमा होगा जो। काट यार टमाटर तो अभी नहीं काटना चाहिए था मुझे, अब इसको थोड़ा सा हम इसमें कर लेंगे क्योंकि ग्रेवी अच्छा होता है। तो फाइनली भाई ये भी एकदम कर दिया शानदार, ठीक है। और टमाटर हो गया अपना रेडी, अब बैठाते हैं भाई, कलेजी कर दिया धुल कर एकदम क्लीन, और अभी है गैस चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह, कलेजी तो जल्दी बन जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। खड़ा मसाला
तेल खाली हो गया, तेल है एक्स्ट्रा रखा है, निकालना पड़ेगा अब उसे। अब इसमें डालेंगे हम लोग खड़ा मसाला, एक दो खड़ा मसाला लाल मिर्चा भी डाल देंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये हो गया, थोड़ा ज़्यादा नहीं। अभी डालेंगे अपना प्याज, ये अपना होगा तब तक धनिया भी काट कर रख लेते हैं। तो धनिया भी काट लिया बारीक, टमाटर भी हो गया है, और इधर अपना प्याज भी अच्छा सा हो रहा है, ये भी हो गया है। अब 5-10 मिनट के लिए इसको फिर ढक के छोड़ देंगे, टमाटर भी हो जाएगा, फिर लास्ट में बस कलेजी डाल के मसाला डाल के छोड़ देंगे। गाइस देखो ग्रेवी हमारा हल्का हल्का हो गया, 10-5 मिनट में हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा देखो एक आलू डाल दिया थोड़ा ग्रेवी के लिए, ये हमारा कलेजी। पानी डालेंगे, पानी डाल के बस अब ये हो जाएगा 10-15 मिनट में भाई रेडी। गाइस फाइनली हमारा हो गया रेडी, शादी के बाद एकदम फ्री हो जाएगी। ये धनिया तो फाइनली हमारा हो गया रेडी भाई, हम चल रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, और देखो कैसे हुआ है चलिए जी, काफी दिन से मन कर रहा था खाने के लिए, छोटा छोटा नहीं किया हूं मैं। ये देखो इतना स्वादिष्ट, तो देख सकते हो गाइस हमारा कलेजी, ये हमारा कोल्ड ड्रिंक और ये हमारा रोटी। तो अभी हम जा रहे हैं खाने, और जिसको भी खाना है वो आ जाए, और दिवाली का आज यही बना है मेरे पास। कलेजी कर रहा था मन कई दिन से खाने के लिए, ग्रेवी देखो खुल जा सिम सिम। नंबर एक, घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर दो, तो भाई अभी हम सोने जा रहे थे और रिजवान फोन किया है और बोल रहा है कि भाई मस्जिद के पास आओ, और हम आ चुके हैं जुमा मस्जिद के पास अपने अड्डे पे, लोग यहीं बैठते हैं और छुट्टी उट्टी टाइम चाहे 12-1 बजे के बाद, और 1 बज रहा है, और टाइम देखो 1 बज रहा है, और ये भाई हमको चूतिया बना रहे हैं सब, हमको बुला दिया, बोला मस्जिद के पास आओ, और यहाँ कोई है ही नहीं। ये गलत बात है भाई, ये पता नहीं कहाँ है सब, हम सो रहे थे दूर से आए चल के, फ़ोन कर रहे हैं फ़ोन भी नहीं उठा रहे रिजवान, देखो ये कौन सी आदत है भाई, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ठीक है भाई देखते हैं, 10 मिनट आएगा तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे रूम पे। तो भाई बोल रहा है कि 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट से ज़्यादा होगा तो चले जाना, तो 1 मिनट वेट करते हैं हम। ठीक है, अभी फ़ोन मिलाया तो उठाया था, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आ गया भाई गैंग, इधर देखो जी।
रे वक्कार क्या ले तुम्हारे धार नहीं आ रहे थे बड़ा मोटा हो गया क्या बात है अबे भाई चलो टाइम हो गया तो गाइस आ गए हम भी रूम पे हम भी जा रहे हैं सोने वैसे कल मदरसा नहीं है ठीक है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं सोने अब टाइम हो कितना हो गया 2:11 टाटा बाय बाय।